हेलो, मैं डॉक्टर पद्मा मैट हेल्थ टीवी से। तो आज मैं प्रेगनेंसी के बारे में नहीं, पर आज मैं छोटे छोटे बच्चों के बारे में, जो माँ बाप जो अभी 1 month 2 month ओल्ड बेबीज के साथ है, उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो मुझे मालूम है आप सबको बहुत एक तरह से बहुत बहुत खुशी होगी कि आपको एक बेबी बेबी हुआ है और नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। हमें मालूम है कि आप सब बहुत एंजॉय करते हुए होंगे। और दूसरा, एक एक बार आपको ये भी फील होता रहेगा कि अरे मैं क्या ये सब ठीक कर रही हूँ, क्या कुछ मेरे से गलत हो रहा है, क्या बच्चा इतना ही पीता है, या हम डायपर कितने बार चेंज करना है, या कितने बार कितना टाइम सोता है, या उसे दिख रहा है कि नहीं। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर आप सब के दिमाग में आता ही होगा। तो हम आज थोड़ा बहुत अर्ली डेवलपमेंट, बच्चा का फर्स्ट 1 या 2 महीने में क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में थोड़े बहुत बात करेंगे। तो पहला ये है कि आपको ये समझना होगा कि बच्चे का विजन यानी आंख कितना तक वो देख सकता है। इस आज जस्ट उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले फ्यू वीक्स यानी फर्स्ट 3 to 4 weeks तक बच्चा को सिर्फ ऑलमोस्ट इतना दूरी यानी 7 to 10 inches दूरी का जो भी है वो दिखता है अच्छी तरह से। दूसरा पूरा जो बाहर वो उतना अच्छी तरह से नहीं दिख सकता है, मतलब थोड़ा बहुत बहुत हेजी या ब्लरी दिख सकता है, पर आपके मुंह के उतना दूर जो आप बच्चे को पकड़ के बात कर रहे होंगे तो वो उसको क्लियरली दिखता है। तो आप और उसका विजन जो है, मतलब उसके दोनों आंख एक ही वस्तु पर फोकस करने का, वो उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ होगा। तो एक एक बच्चों को यानी दोनों आंख दो साइड दिखने के जैसा हो दिख सकता है, पर वो टेंशन की बात नहीं है। अगर वो बहुत महीनों तक ऐसे ही, 2 महीने 3 महीने तक ऐसे ही है तो आप एक बार आँख के डॉक्टर से टेस्ट करा लीजिए। पर यूजुअली फर्स्ट 2 3 वीक्स या 4 वीक्स थोड़े बच्चों में आँख का वो फोकस नहीं रहता है, तो वो है। और तो टाइम होते होते थोड़ा बहुत वो आँख का फोकस एक वस्तु पर, दोनों आँख का कैसा फोकस करना है वो बच्चे के दिमाग में वो समझने लगता है। और उसका वो ये वस्तु क्या है उसके दिमाग में, मतलब ये माँ है, ये बाप, ये पिताजी है, ये कुछ भी है, वो सब उसको समझ में आने लगता है। और इसी टाइम में उसका वॉइस रिकग्निशन भी वो समझ में आता है, उसको दिमाग में आने लगता है कि ये, अरे ये तो माँ बात कर रही है, ये तो पिताजी बात कर रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत साउंड्स जो वो पहले से सुनते आ रहा है, जब वो आपके पेट में था तब से जो सुनते आ रहा है वो वॉइसेस भी वो रिकग्नाइज कर सकता है थोड़ा बहुत। और विजन भी ऐसे ही उसका डेवलप होते रहता है। और थोड़े दिनों में, मतलब 1 4 महीनों में ऐसा उसका जो नेक रीजन है वो थोड़ा बहुत टाइट होने लगता है और वो कंट्रोल कर सकता है। पहले ही 2 3 2 महीने तक आपको मालूम होगा आपके बेबी का मेनली आपको हेड कंट्रोल नहीं होता है, तो आप जब पकड़ते हैं बेबी को तो ऐसा पकड़ना है और बेबी का हेड को सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उसका नेक मसल्स अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं। पर थोड़ा होते होते पहला जो डेवलपमेंट है, बेबी का डेवलपमेंट है, वो है नेक मसल्स का थोड़ा वो स्ट्रेंथन होना और वो नेक पर
वो ठीक से पकड़ सकता है। ये 3-4 महीने की बेबी अगर आप उठा रहे होते, जो अगर सो रहा है और उठाने की आप ट्राई करते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत वो नेक वो कंट्रोल में होगा और वो स्ट्रेट होगा। पहले 1-3 वीक्स में उसका नेक अभी नेक मसल्स अभी कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आपके पहला वाला है, मैं बात कर रही हूँ विजन के बारे में, तो 7-10 इंचेस विजन उसको बहुत अच्छा दिखता है। और दूसरा वो रिकग्नाइज वॉइस रिकग्निशन, तो इसलिए आपको पहले से बात करते रहना है बेबी से। आपको समझ में होगा, आप समझते होंगे कि अरे इसको क्या समझ में आएंगे, मैं क्या बात करूँ इससे, पर जो भी है आप उसे पहले उसका नाम कुछ है तो वो रिपीट करते रहना है, तो उसको वो दिमाग में आ जाएगा और वो उसको समझ में आएगा कि अरे ये मेरा नाम पुकार रहे है, या कुछ भी हो ऐसा। और तीसरा जो है नेक कंट्रोल के बारे में, 3-4 महीनों में नेक कंट्रोल उसको मतलब आसान होगा और वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आई साइट के बारे में और नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टोन डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में और बात करेंगे। और जो वीडियोस मैं एनिमेशन में डाली हूँ मेड हेल्थ में, वो भी आप देखिए, उसमें भी बहुत सारा माइलस्टोन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या इट्स मोर इनफॉर्मल बात कर रही हूँ इसमें इस वीडियोस में। ओके, थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बाय बाय।